एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हम लोग बड़े प्लॉट के बारे में डिस्कशन किए थे। तो बड़े प्लॉट जो था वो मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम के अंदर आता है। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के बारे में बात कर रहा था तो वहां पे हम लोग बताए थे आपको कि अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग बेसिकली तीन प्लॉट ड्रॉ करेंगे, ओके, और तीन प्लॉट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला प्लॉट था मेरा बड़े प्लॉट, ओके। तो पहला प्लॉट आएगा वो आएगा मेरा बॉर्डर प्लॉट, दूसरा प्लॉट होगा आपका पोलर प्लॉट, और जो तीसरा प्लॉट होगा वो होगा मेरा नाइक्विस्ट प्लॉट। तो ये जो बॉर्डर प्लॉट ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ओके। तो बॉर्डर प्लॉट को हम लोग लास्ट क्लास में खत्म किए हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पोलर प्लॉट, जो कि सेकेंड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो बिफोर यू स्टार्ट पोलर प्लॉट, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो पोलर प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट है, और इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफी सिमिलैरिटी देखने को मिलेगा पोलर प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट में। तो यहाँ पे पोलर प्लॉट में होता क्या है और नाइक्विस्ट प्लॉट में होता क्या है, तो आगे चल के उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे जो बड़े प्लॉट है, उस बड़े प्लॉट में हम क्या करते हैं। तो एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन होगा, उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का आप मैग्नीट्यूड और फेज निकालते हैं, और उस मैग्नीट्यूड और फेज को आप लोग प्लॉट करते हो विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा मेरा डीबी में, और जो फेज आएगा वो आएगा मेरा डिग्री में, और उसमें जो हम स्केल यूज करते हैं वो हमारा लॉगरिथम स्केल होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी सेमिलोग ग्राफ पेपर में हम लोग प्लॉट करते हैं तो जो एक्स एक्सिस होगा उस एक्स एक्सिस में हम फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, और इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग लॉग के और लॉगरिथम के फॉर्म में लेते हैं, ओके। और वाई एक्सिस में हम लोग का एक मैग्नीट्यूड आएगा और दूसरा आएगा हमारा फेज। तो यहाँ पे देखिए पोलर प्लॉट में ऐसा क्या डिफरेंस होगा बॉर्डर प्लॉट से, तो आपके मन में आया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर प्लॉट एंड बॉर्डर प्लॉट। तो अगर मैं बॉर्डर प्लॉट को ध्यान से देखूं तो बॉर्डर प्लॉट में हम लोग का क्या होता है, हम लोग फेज निकालते हैं और हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं सेपरेटली। बोथ फेज को हम कैलकुलेट करते हैं और मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। जब ड्रॉ करने का बारी आता है तब हम क्या करते हैं, हम लोग का एक्स एक्सिस में हम लोग फ्रीक्वेंसी को लेते हैं और वाई एक्सिस में हम सेपरेटली प्लॉट करते हैं मैग्नीट्यूड को और मेरा फेज को। तो फेज के लिए एक प्लॉट होगा और मैग्नीट्यूड के लिए एक प्लॉट होगा। तो इसका मतलब बड़े प्लॉट में हम लोग दो प्लॉट के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक है मैग्नीट्यूड प्लॉट, दूसरा होगा मेरा फेज प्लॉट। लेकिन पोलर प्लॉट में ऐसा नहीं है। तो उसके बाद हम बड़े प्लॉट में क्या करते हैं, बड़े प्लॉट में हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में कंक्लूड करते हैं। जो भी आपको सिस्टम गिवन होगा, ये सिस्टम आपका स्टेबल है या अनस्टेबल सिस्टम है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो वहां पे हम लोग गेन मार्जिन देखे थे, फेज मार्जिन देखे थे, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी देखे थे, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी देखे थे। तो ये सब था बड़े प्लॉट का कहानी। तो यहाँ पे देखिए जितना सारा अभी हम प्लॉट के बारे में डिस्कशन करेंगे सब में हम लोग का कंक्लूजन क्या होगा, हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रूट लोकस हम लोग का जो भी जितना सारा यहाँ पे तीन प्लॉट के बारे में डिस्कशन किए हैं और तीन प्लॉट हम यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, सब में हम लोग का स्टेबिलिटी एनालिसिस होगा। जब मैं रूट लोकस का बात कर रहा था तो रूट लोकस में क्या होता है, रूट का जो लोकस है उस रूट का लोकस को देख के हम लोग बता सकते हैं कि व्हेदर द सिस्टम इज अ स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम। सिमिलरली बड़े प्लॉट में भी हम लोग मैग्नीट्यूड और फेज को प्लॉट करके हम उस प्लॉट में गेन मार्जिन और फेज मार्जिन को निकाल के हम लोग सिस्टम का स्टेबिलिटी के बारे में कंक्लूड किए थे। सिमिलरली अगर पोलर प्लॉट का बात करूं, उस पोलर प्लॉट में भी हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, हम लोग स्टेबिलिटी का कंक्लूजन निकालेंगे। जो भी सिस्टम आपको गिवन होगा उस सिस्टम का पोलर प्लॉट को देख के हम लोग बोल सकते हैं व्हेदर द सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बड़े प्लॉट और पोलर प्लॉट। तो बड़े प्लॉट में क्या होता है, बड़े प्लॉट में हम लोग का
सेपरेटली मैग्नीट्यूड और फेज को प्लॉट करते हैं। इसका मतलब जो प्लॉट होगा वहां पे दो प्लॉट होता है, एक है मैग्नीट्यूड प्लॉट, दूसरा होगा आपका फेज प्लॉट। लेकिन जब पोलर प्लॉट के बारे में डिस्कशन करेंगे, पोलर प्लॉट में हम लोग एक ही प्लॉट करेंगे और उस एक ही प्लॉट में हम लोग बोथ मैग्नीट्यूड और फेज को वहां पे हम शो करेंगे। दिस इज द डिफरेंस, ओके। और ये जो होगा ये कहां विथ रेस्पेक्ट टू किसके साथ होगा, विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। बड़े प्लॉट में भी हम सेपरेटली जो मैग्नीट्यूड और फेज निकालते हैं उसको प्लॉट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली पोलर प्लॉट में भी हम लोग बोथ मैग्नीट्यूड और फेज को प्लॉट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, बट वहां पे एक ही प्लॉट होगा, लेकिन बड़े प्लॉट में हम लोग दो प्लॉट सेपरेट प्लॉट करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। और क्या होता है, बड़े प्लॉट में हम लोग सेमिलोग ग्राफ पेपर उसको लॉगरिथम फॉर्म में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट फॉर्म में लेंगे। जो पोलर प्लॉट होगा उस पोलर प्लॉट को हम लोग एब्सोल्यूट फॉर्म में प्लॉट करेंगे। तो चलिए एक आपका स्टेटमेंट लिख लीजिए। सो पोलर प्लॉट इज द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस इन व्हिच वी डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माई पोलर प्लॉट। नेक्स्ट लाइन लिखिए, नॉर्मली इन बोड़े प्लॉट द मैग्नीट्यूड एंड फेज रेस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम इज प्लॉट इन डिफरेंट प्लेन, बट इन पोलर प्लॉट द मैग्नीट्यूड एंड फेज रेस्पॉन्स इज ड्रॉ इन वन प्लॉट दैट इज कॉल्ड माई पोलर प्लेन। ओके, तो बोड़े प्लॉट में हम लोग जो प्लॉट करते हैं उसको हम सेपरेट प्लेन में प्लॉट करते हैं। एक है मेरा मैग्नीट्यूड प्लेन, दूसरा होगा मेरा फेज प्लेन। लेकिन बड़े प्लॉट में हम बोथ मैग्नीट्यूड और फेज को प्लॉट करेंगे, एक ही प्लेन में प्लॉट करेंगे, जिस प्लेन को हम बोलेंगे क्या, पोलर प्लॉट। ओके, तो चलिए पोलर प्लेन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पोलर प्लेन भाई क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पोलर प्लेन। जब पोलर प्लेन आएगा तो ये पोलर प्लेन क्या होता है, तो पोलर प्लेन के लिए आपको एस प्लेन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो एस प्लेन का अगर बात करूं यहां पे तो क्या होता है, एस प्लेन में मेरा दिस इज द एस प्लेन। तो दो मेरा एक्सिस होगा, एक है रियल एक्सिस, दूसरा होगा इमेजिनरी एक्सिस। तो ये हो जाएगा मेरा रियल एक्सिस, दिस इज द रियल एक्सिस, और ये जो एक्सिस होगा ये होगा मेरा इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज द एस प्लेन। तो क्या इस एस प्लेन में हम उसको प्लॉट करेंगे, हाँ इस एस प्लेन में प्लॉट करेंगे। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे आप एस के बदले में जे ओमेगा पुट करोगे, व्हाट इज द एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, क्योंकि जो पोलर प्लेन है और जो पोलर प्लॉट है वो हमारा फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस के अंदर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग एस प्लेन का बात करेंगे, बट यहाँ पे हम पुट करेंगे क्या, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा। क्लियर हुआ बात। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर आपको ये मन में आपके यहाँ पे कंफ्यूजन आया होगा कि सर जब एस प्लेन का बात कर रहे हो तो उस एस प्लेन में हम बोथ मैग्नीट्यूड और फेज को कैसे प्लॉट करेंगे, ये आपके मन में एक डाउट आया होगा। तो चलिए उसके लिए आपको पोलर प्लेन के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे मैं एक पोलर प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ और एक एग्जाम्पल लेके आपको पोलर प्लेन के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर पोलर प्लेन का बात करूं यहाँ पे, तो पोलर प्लेन भाई क्या होता है, पोलर प्लेन सिमिलर जो एस प्लेन होगा उस एस प्लेन के तरह ही दिखता है पोलर प्लेन। लेकिन यहाँ पे क्या हम लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा, इसको हम बोलेंगे पोलर प्लेन, पोलर प्लेन, ओके। तो इस प्लेन में क्या होगा, चलिए डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका एक्सिस हम एक बार ले लेते हैं, सो दिस इज माई इमेजिनरी एक्सिस और इस ये हो गया हमारा रियल एक्सिस, ओके। दिस इज माई रियल एक्सिस और ये हो गया हमारा इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पे सबसे पहले रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस में हम लोग फेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फेज मतलब क्या है, तो अगर फेज का बात करूँ तो ये जो रियल एक्सिस है ये हमारा जीरो डिग्री फेज से, तो इसका मतलब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा जीरो डिग्री से। अगर इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो ये हो जाएगा कितना, 90 डिग्री, दिस इज माई 90 डिग्री, ओके। तो उसके बीच में भी कुछ एंगल आएगा, तो ये उसके भी उसको भी हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं।
अगर ये 0 डिग्री होगा लेट दिस इज माय 45 डिग्री, ओके। नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पे आएगा 135 डिग्री और ये हो गया हमारा 180 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा कितना 200 डिग्री, देन 270 डिग्री, ओके, देन 315 डिग्री, 315 डिग्री और ये 0 डिग्री से फिर से आके रोटेट करके यहाँ पे आएगा हमारा 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री रोटेशन, ओके। तो ये जो डिग्री और ये जो फेज आ रहा है मेरा 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, सब पॉजिटिव में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कौन सा रोटेशन है मेरा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जिसका मतलब यहाँ पे मैं इस तरह रोटेट हो रहा हूँ और इस तरह शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर इस तरह का शिफ्ट आएगा आपको तो आपका जो एंगल होगा वो मेरा पॉजिटिव में आएगा। सिमिलरली अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो क्या होगा, अगर इस तरह हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो अगर ये 0 डिग्री होगा तो ये क्या होगा, ये माइनस 90 डिग्री होगा और यहाँ पे माइनस 180 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 270 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर ये 0 डिग्री है और इस एक्सिस को अगर हम 90 डिग्री बोलेंगे तो इसका मतलब दिस इज माई क्लॉकवाइज रोटेशन, और उस एक्सिस को अगर हम 270 डिग्री बोलेंगे तो इसका मतलब दिस इज माई क्लॉकवाइज रोटेशन, और 90 डिग्री बोलेंगे तो वो होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सिमिलरली अगर ये जो एंगल है और ये जो एक्सिस है अगर इसको मैं 270 डिग्री बोलूं तो इसका मतलब क्या है, दिस इज माय एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर इसको मैं 90 डिग्री बोलूं तो ये हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन, ओके। तो दिस इज द पोलर प्लेन। इस पोलर प्लेन में हम लोग को पोलर प्लॉट करना है और पोलर प्लॉट कुछ इस तरह आएगा, ओके। कुछ इस तरह पोलर प्लॉट आपको देखने को मिलेगा, जब हम आगे चल के एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोलर प्लेन में मेरा यहाँ पे दो चीज आएगा, एक है मेरा रेडियल लाइन। तो ये जो रेडियल लाइन है दिस इज माई रेडियल लाइन, ओके। तो रेडियल लाइन मतलब क्या है, ये 0 डिग्री लाइन, 45 डिग्री लाइन, 90 डिग्री लाइन, फिर 135 डिग्री, दिस इज कॉल्ड रेडियल लाइन। तो ये जो रेडियल लाइन है ये क्या शो करेगा, ये मेरा फेज को शो करेगा, दिस इज शो द फेज, याद रखिए दिस इज शो द फेज। सिमिलरली ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसको शो करेगा, मैग्नीट्यूड को शो करेगा। तो दिस इज माई कॉन्सेंट्रिक सर्किल, तो ये किसको शो करेगा, दिस इज शो द मैग्नीट्यूड, ओके। क्लियर हुआ आपको पोलर प्लॉट में हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट ले रहा हूं, सपोज करो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट ले रहा हूं, यहाँ पे ये मेरा पॉइंट है। तो इस पॉइंट में जो रेडियल लाइन है इसका मतलब क्या है, इसका फेज आप डिटरमाइन कर सकते हो। आप बोलोगे कि सर ये जो लाइन में है तो इसका मतलब इसका फेज है मेरा 315 एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज डिग्री, और ये जो सर्किल है इस सर्किल का वैल्यू को लेके आप यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या है, एक ही प्लेन में मैं बोथ मैग्नीट्यूड और फेज को शो कर रहा हूं, दिस इज द पोलर प्लॉट। तो ये हो गया मेरा पोलर प्लॉट। क्लियर हुआ आपको पोलर प्लॉट क्या है और पोलर प्लेन क्या है, कैसे हम पोलर प्लेन में बोथ मैग्नीट्यूड और मेरा फेज को शो करेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं व्हाट इज द प्रोसीडियर टू डिटरमाइन द पोलर प्लॉट। तो पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए क्या क्या प्रोसीडियर हमको फॉलो करना पड़ेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो हेडिंग लगाइए प्रोसीडियर टू प्लॉट पोलर प्लॉट, ओके। तो पहला नंबर पे आएगा मेरा पुट s इज इक्वल टू j ओमेगा इन द गिवन ट्रांसफर फंक्शन। जो भी ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन होगा उस ट्रांसफर फंक्शन में आपको पुट s इज इक्वल टू j ओमेगा इन द गिवन ट्रांसफर फंक्शन, गिवन ट्रांसफर फंक्शन, ओके। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको जो भी ट्रांसफर फंक्शन और जो भी कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा उस ट्रांसफर फंक्शन का आप लोग एस के बदले में जे ओमेगा पुट करोगे। क्यों जे ओमेगा पुट करेंगे, क्योंकि
जो पोलर प्लॉट है ये मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, तो इसको हम एस डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हम प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड फेज। तो नंबर टू पे आएगा फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड फेज एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, सो ओमेगा का वैल्यू जीरो पुट करके आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है गिवन ट्रांसफर फंक्शन का, और ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करके आपको मैग्नीट्यूड और फेज फाइंड आउट करना है। तो बोथ ओमेगा इज इक्वल टू जीरो में हम मैग्नीट्यूड और फेज फाइंड आउट करोगे, एंड ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट में आप मैग्नीट्यूड और फेज फाइंड आउट करोगे। क्लियर हुआ, ये दो प्रोसीजर आपको क्लियर हुआ। तीसरा प्रोसीजर में चलते हैं। तो तीसरा प्रोसीजर क्या बोलता है आपको, फाइंड द स्टार्टिंग डायरेक्शन ऑफ द प्लॉट एंड इट इज गिवन बाय द फाइनाइट पोल और जीरो नियरर टू द इमेजिनरी एक्सिस। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द स्टार्टिंग पॉइंट, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्लॉट कैन बी फाइंड आउट बाय फाइनाइट पोल और जीरो नियरर टू इमेजिनरी एक्सिस। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इफ द फाइनाइट पोल इज नियरर टू द इमेजिनरी एक्सिस देन डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। सो क्या बोल रहा है यहां पे, इफ द फाइनाइट पोल, इफ द फाइनाइट पोल इज नियरर टू इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस then direction is clockwise। okay, जब finite pole होगा nearer to the imaginary axis तो मेरा direction, starting direction क्या होगा मेरा, तो यहां पर देखिए starting point को change करके आप starting direction लिख लीजिए, starting direction। okay, तो ये काफी बेहतर होगा starting direction। okay, तो जब finite pole मेरा नियरर टू द इमेजिनरी एक्सिस होगा तो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। इफ फाइनाइट जीरो, सेकंड पॉइंट, इफ फाइनाइट जीरो इज नियरर टू इमेजिनरी एक्सिस तो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ बात, तो दिस इज द स्टार्टिंग डायरेक्शन। अगर स्टार्टिंग डायरेक्शन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट को, जो कि हमारा एंडिंग डायरेक्शन। सो नंबर टू, नंबर फोर क्या है, एंडिंग डायरेक्शन, द एंडिंग डायरेक्शन of the plot, of polar plot, plot can be determined by phi 0 minus phi infinite। okay, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो एंडिंग डायरेक्शन होगा उस एंडिंग डायरेक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ फाइव जीरो माइनस फाइव इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या है, द फेज इन एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो माइनस द
द फेज इन ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो उसको माइनस करने के बाद हम लोग एंडिंग डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, इफ सॉरी नंबर ए है, इफ द फाइव जीरो माइनस फाइव इनफाइनाइट ओके इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, अगर ये इसका जो वैल्यू होगा, इस वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा देन डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, देन डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, क्लियर हुआ बात। सिमिलरली इफ फाइव जीरो माइनस फाइव इनफाइनाइट इज नेगेटिव, जब इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा तब क्या होगा, देन डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, ओके। सो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज द प्रोसीडियर टू ड्रॉ द पोलर प्लॉट, ओके। तो यहां पर देखिए जो चार पॉइंट में अभी डिस्कशन किया हूं, तो पहला क्या है, आप s इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करेंगे, फिर हम मैग्नीट्यूड निकालोगे एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देन आप स्टार्टिंग डायरेक्शन प्लॉट करोगे और स्टार्टिंग डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा फाइनाइट पोल और फाइनाइट जीरो, कौन सा वो पोल और जीरो है जो कि नियरर होगा इमेजिनरी एक्सिस से, और एंडिंग डायरेक्शन के लिए हमको चाहिए क्या, फाइव जीरो माइनस फाइव इनफाइनाइट, फेज एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो माइनस फेज एट ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो दिस इज द प्रोसीडियर। तो आपको यहाँ पे प्रोसीडियर समझ में आया होगा, बिल्कुल नहीं आया है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक प्रॉब्लम लेते हैं, तब जाके जो प्रोसीडियर मैं यहाँ पे लिस्ट आउट किया हूँ वो प्रोसीडियर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर। सो तो क्वेश्चन क्या है मेरा, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर नाइन, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर नाइन, ड्रॉ द पोलर प्लॉट, ओके पोलर प्लॉट ऑफ ए सिस्टम हैविंग जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू वन बाय एस प्लस वन इज इक्वल टू वन बाय एस प्लस वन, ओके। तो आपको एक सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन गिवेन है, उस सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन का आपको पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है, ओके। तो क्या करना है मेरे को, वो चार जो प्रोसीजर में अभी बोला था उस चार प्रोसीजर को फॉलो करके आपको पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है, ओके। चलिए तो सबसे पहले जो प्रोसीजर वन था वो क्या था, जो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे जो गिवेन ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या है, गिवेन ट्रांसफर फंक्शन जल्दी से बताइए। तो गिवेन ट्रांसफर फंक्शन है आपका वन बाई एस प्लस वन, ये है आपका गिवेन ट्रांसफर फंक्शन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे सर, सबसे पहले हम पुट करेंगे एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, क्योंकि पोलर प्लॉट है, पोलर प्लॉट के लिए मेरे को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो पुट एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, अगर जे ओमेगा हम पुट करेंगे तो जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज वन बाय, ये हो जाएगा मेरा कितना, जे ओमेगा प्लस वन, तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, ओके। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसका फेज निकालेंगे। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड का बात करूं, इसका मैग्नीट्यूड क्या है जल्दी से बताइए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा मेरा वन बाय रूट ओवर ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, दिस इज द मैग्नीट्यूड। इसका फेज कितना आएगा, जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा, तो इसका फेज आएगा आपका, तो एक पोल है, फाइनाइट पोल है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज जीरो माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाई वन, ओके टेन इनवर्स ओमेगा,
ओके। तो अभी देखिए, अभी मेरे को मैग्नीट्यूड मिल गया और फेज मिल गया, तो इस मैग्नीट्यूड और फेज को हमको डिटरमाइन करना है कहां पे, एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पे और ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। तो चलिए मैं इसके लिए एक टेबल बना देता हूं आपके लिए। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, पहला नंबर है ओमेगा इज इक्वल टू जीरो और दूसरा है ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो मैग्नीट्यूड निकालिए आप एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पे। सो ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, ओमेगा इज इक्वल टू, ओके सॉरी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को, मैग्नीट्यूड। तो एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो फॉर द मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वन डिवाइडेड बाय, ये तो जीरो हो गया, वन इट इज इक्वल टू वन, ओके। सो ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, सो मैग्नीट्यूड इज वन, ओके। नेक्स्ट, एट ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इसका मतलब क्या है, वन बाय रूट ओवर ऑफ इनफाइनाइट स्क्वायर प्लस वन, तो वन बाय इनफाइनाइट, वन बाय इनफाइनाइट का वैल्यू कितना होगा, वन बाय इनफाइनाइट का वैल्यू आएगा जीरो। तो मैग्नीट्यूड आपका निकल गया कहाँ पे, एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पे और एट ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। कितना आ रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पे वन आ रहा है एंड ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे आपका जीरो आ रहा है, ओके। नेक्स्ट आएंगे हम फेज पे, तो सर फेज कैलकुलेट कीजिए एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, तो टेन इनवर्स जीरो कितना होगा, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स जीरो का वैल्यू होगा जीरो, ओके। और एट टेन इनवर्स इनफाइनाइट, तो ओमेगा का वैल्यू अगर इनफाइनाइट हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा कितना, माइनस पाई बाई टू और ये आएगा मेरा माइनस नाइनटी डिग्री, माइनस नाइनटी डिग्री, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू हम सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ फेज का वैल्यू हम निकाल चुके हैं एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट में। तो सर यहाँ पे स्टार्टिंग डायरेक्शन बताइए और एंडिंग डायरेक्शन बताइए। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन अगर हम बात करेंगे, व्हाट इज द स्टार्टिंग डायरेक्शन, तो नंबर नेक्स्ट आएगा आपका स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगा, स्टार्टिंग डायरेक्शन, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है आपका, यहाँ पे फाइनाइट पोल है या फाइनाइट जीरो है, तो यहाँ पे एक ही पोल है आपका वन माइनस वन, तो यहाँ पे एक फाइनाइट पोल है, सो द पोल इज नियरर टू द इमेजिनरी एक्सिस, पोल इज नियर टू इमेजिनरी एक्सिस। अगर पोल मेरा इमेजिनरी एक्सिस के नियर में आएगा तो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगा, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन इज क्लॉक वाइज, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन इज, स्टार्टिंग डायरेक्शन डायरेक्शन इज क्लॉक वाइज, क्लियर हुआ बात आपको। चलिए नेक्स्ट हम निकालेंगे एंडिंग डायरेक्शन, तो एंडिंग डायरेक्शन क्या है जल्दी से बताइए एंडिंग डायरेक्शन। सो सर एंडिंग डायरेक्शन के लिए मेरे को जाना पड़ेगा क्या, फाइव जीरो माइनस फाई इन्फाइनाइट, फाई जीरो माइनस फाई इन्फाइनाइट के वैल्यू पे जाना पड़ेगा। तो फॉर द वैल्यू फाई जीरो का वैल्यू है मेरा जीरो माइनस ऑफ माइनस पाई बाई टू, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ रहा है, प्लस पाई बाई टू, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव मीन्स इट इज ए क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एंडिंग डायरेक्शन भी आपका आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंडिंग डायरेक्शन और स्टार्टिंग डायरेक्शन आ गया, तो आप फटाफट यहां पे प्लॉट करके दिखा दीजिए। चलिए प्लॉट कर लेते हैं, तो प्लॉट के लिए मेरे को चाहिए पोलर प्लेन, तो दिस इज द पोलर प्लेन, यहां पे पोलर प्लेन में आपका पहले बताइए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट एट ओमेगा मैग्नीट्यूड है वन एंड फाई है मेरा जीरो, तो जीरो डिग्री लाइन, अगर जीरो डिग्री लाइन है, दिस इज माय जीरो डिग्री लाइन, ये जो जीरो डिग्री, ये है मेरा जीरो डिग्री एक्सिस, ओके। तो जीरो डिग्री एक्सिस में आपका मैग्नीट्यूड होगा क्या, सपोज करो यहाँ पे, यहाँ पे मेरा आपका ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो
और इसका आपका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है 1, लेट दिस पॉइंट इज 1, तो ये जो पॉइंट है ये मान मैं मान लेता हूँ 1, तो ओमेगा मैग्नीट्यूड इज 1 एंड जो एंगल आएगा वो क्या आएगा 0 डिग्री, तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगा, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगा आपका क्लॉकवाइज, स्टार्टिंग डायरेक्शन होगा आपका क्लॉकवाइज। ओके नेक्स्ट, एंडिंग डायरेक्शन क्या है, एंडिंग डायरेक्शन भी आपका क्लॉकवाइज है। और एंडिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट एट ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एट ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट 0, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है हमारा 0, तो अगर मैग्नीट्यूड 0 है और फेज क्या है माइनस पाई बाई टू, तो ये जो है हमारा ये है हमारा प्लस पाई बाई टू, ये आ जाएगा हमारा माइनस पाई बाई टू, तो ये जो एक्सिस है ये हमारा माइनस पाई बाई टू एक्सिस है, दिस एक्सिस ये है हमारा माइनस पाई बाई टू एक्सिस, और मैग्नीट्यूड कितना है 0, तो मतलब ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट में आपका ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट और मैग्नीट्यूड है आपका 0 और जो फेज आएगा माइनस पाई बाई टू। और इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है अब मेरा क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ इस तरह यहाँ पे, ओके यहाँ पे स्टार्टिंग डायरेक्शन, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, और डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, और ये हो गया हमारा एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और डायरेक्शन क्या है मेरा क्लॉकवाइज, जो कि माइनस 90 डिग्री करके हमारा इस पॉइंट पे जा रहा है, इस पॉइंट पे 90 डिग्री एक्सिस में जा रहा है, क्लियर। तो दिस इज द पोलर प्लॉट, ये हो गया हमारा पोलर प्लॉट। तो आपको समझ में आ गया कैसे आप ओमेगा का वैल्यू निकालोगे, ओमेगा इज इक्वल टू 0 और ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट में आप मैग्नीट्यूड ऑफ फेज निकालोगे, फिर उसका स्टार्टिंग डायरेक्शन और एंडिंग डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करोगे और उसको कैसे प्लॉट करोगे। तो यहाँ पे पॉसिबल क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहाँ पे गेट के लिए पॉसिबल क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो सपोज करो आपको पूछा होगा कि मैं यहाँ पे दो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 0 और ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट के लिए निकाला हूं, तो आपको पूछा होगा कि सपोज यहाँ पे आपको फाई का वैल्यू गिवन होगा, लेट यहाँ पे फाई का वैल्यू गिवन होगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे लेट फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री, सो इफ फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री, माइनस 45 डिग्री ले रहा हूं, तो फाई इज इक्वल टू -45, देखिए तो अगर ये मेरा 0 डिग्री है और ये जो लाइन है मेरा -90 है, तो इसका मतलब इसके बीच में आएगा मेरा -45, दिस इज माई -45 डिग्री, ये जो एंगल है, तो उस -45 डिग्री एंगल पे आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका ओमेगा का वैल्यू कितना होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तब निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए फाई, तो इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू होगा इस वैल्यू पे आप फाई का वैल्यू कितना गिवन है आपका, यहाँ पे गिवन है -45 = -10 inverse 45, ओके आप यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे -10 inverse ओमेगा, तो यहाँ पे आप ओमेगा का वैल्यू निकालो, यहाँ पे अगर ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा, मतलब वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1, जल्दी से कैलकुलेटर में डालिए और डाल के यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू निकालिए, अगर कैलकुलेटर में डालेंगे तो इसका वैल्यू मेरा यहाँ पे मेरे को ओमेगा का वैल्यू मिलेगा कितना 1, तो इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1, इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1, एक बार ओमेगा का वैल्यू निकलने के बाद आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 1/√1+1, तो ये जाएगा कितना 1/√2, दैट मींस 0.707। तब बोल सकते हो सर एफ एंगल फाई इज इक्वल टू 40 -45 डिग्री, माय ओमेगा वैल्यू इज 1 और माय मैग्नीट्यूड इज -0.707 और 1/√2, तो इस तरह का आपको कोई भी एंगल गिवन होगा उस एंगल में आपको ओमेगा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप, और क्या कर सकते हो आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, डायरेक्टली ना पूछ के, डायरेक्टली पोलर को ड्रॉ करने के लिए ना देके आपको पूछ सकता है कि आपको गिवन पोलर
एक पोलर प्लॉट आपको गिवन होगा, उस पोलर प्लॉट में आपको ओमेगा का वैल्यू डिफरेंट जीरो और ओमेगा इन्फाइनाइट में मैग्नीट्यूड ऑफ फेज का वैल्यू गिवन होगा, तो आपको पूछ सकता है व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एंड ओमेगा एट फाइ इज इक्वल टू -45। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। क्लियर हुआ बात? तो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 9। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे मेरा ट्रांसफर फंक्शन को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा क्या ट्रांसफर फंक्शन चेंज हो रहा है, चलिए देखते हैं। समझ करो, आपको पहला क्वेश्चन में क्या था, 1/s+1, तो उसके साथ और एक पोल में ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो लेट माय गिवन ट्रांसफर फंक्शन इज s+1 and s+2, अभी और एक पोल में ऐड कर दिया हूं, तो अभी ट्रांसफर फंक्शन क्या बन गया, 1/s+1 and s+2। तो इसका पोलर प्लॉट निकालिए, तो इसका अगर मैं पोलर प्लॉट निकालू तो इसका ट्रांसफर फंक्शन कितना है, प्रोसीजर सेम है जो भी मैं क्वेश्चन नंबर, अभी ये क्वेश्चन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। ओके, इसको आप दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो भी प्रोसीजर मैं फॉलो किया था सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला पुट ट्रांसफर फंक्शन क्या है मेरा, माई ट्रांसफर फंक्शन इज 1/s+1 all into s+2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे सर, हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, s = j ओमेगा पुट करेंगे। अगर s = j ओमेगा पुट करेंगे तो g(j ओमेगा) × h(j ओमेगा) कितना बन जाएगा मेरा, h(j ओमेगा), तो ये हो जाएगा 1/j ओमेगा+1 and j ओमेगा+2। ओके, चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, g(j ओमेगा) and h(j ओमेगा), तो मैग्नीट्यूड क्या है, 1/√(ω²+1 and √(ω²+2) और ω²+4, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ओके, और इसका फेज कितना आएगा भाई, अगर इसका फेज का हम बात करेंगे तो g(j ω) × h(j ω), 0 - tan inverse ω - tan inverse, ये हो जाएगा ω/2, दिस इज द फेज, दिस इज द फेज। ओके, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड मेरे को मिल गया और फेज मिल गया, तो यहाँ पे हम ओमेगा का वैल्यू जीरो में क्या बनेगा मेरा मैग्नीट्यूड और फेज, और ओमेगा इज इक्वल टू इन्फाइनाइट में क्या बनेगा मेरा मैग्नीट्यूड और फेज, उसको डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए सर, इसके लिए मेरे को टेबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, सो ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, दिस इज योर ओमेगा इज इक्वल टू जीरो एंड ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पे मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, यहाँ पे आप जीरो पुट कीजिए, तो जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 0 + √(2), 1.5 ये बनेगा 0.5। ओके, 0.5। नेक्स्ट ये क्या बनेगा, एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पे व्हाट इज द फेज वैल्यू, तो यहाँ पे जीरो पुट करके देखिए फेज वैल्यू क्या बन रहा है, जीरो आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आएंगे ओमेगा इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू इन्फाइनाइट पुट कीजिए, ∞²+1 √(ω²+4), ये क्या बनेगा, एट ओमेगा इज इक्वल टू इन्फाइनाइट दिस इज कमिंग जीरो। ओके, और जो फेज होगा वो कितना होगा, वो होगा मेरा -π, फेज कितना आ रहा है -π, इसका मतलब -180 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालेंगे,
एंडिंग डायरेक्शन निकालेंगे, जल्दी से इसका स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालिए। अगर मैं स्टार्टिंग डायरेक्शन बोलू यहाँ पे, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे दो पोल है, एक है माइनस वन दूसरा है माइनस टू। तो यहाँ पे माइनस वन जो पोल है ये फाइनाइट पोल है, ये नियरर टू द ओरिजिन और नियरर टू द इमेजिनरी एक्सिस। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन इज क्या होगा, स्टार्टिंग डायरेक्शन जल्दी से आप बोलिए स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन इज क्लॉक वाइज, क्योंकि यहाँ पे मेरा जीरोज नहीं है। अगर जीरोज होता तो फिर आप देखते हैं कौन सा पोल या कौन सा जीरो मेरा इमेजिनरी एक्सिस के पास में है, तब जाके आप बोल सकते हो कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन यहाँ पे पोल सिर्फ और सिर्फ पोल है ना, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मैं स्टार्टिंग डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, क्योंकि द पोल इज नियरर टू द इमेजिनरी एक्सिस। तो सर आप यहाँ पे जल्दी से एंडिंग डायरेक्शन बता दीजिए, व्हाट इज द एंडिंग डायरेक्शन, एंडिंग डायरेक्शन क्या है, एंडिंग डायरेक्शन है फाइव जीरो माइनस फाइव इन्फाइनाइट। तो फाइव जीरो का वैल्यू कितना है, फाइव जीरो का वैल्यू है जीरो माइनस ऑफ माइनस पाई, तो क्या है हमारा पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो क्या है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग डायरेक्शन भी मेरे को मिला क्लॉकवाइज। ओके सो एंडिंग डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। तो एंडिंग डायरेक्शन और स्टार्टिंग डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज मिल रहा है तो यहाँ पे हम प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जीरो डिग्री लाइन। ओके नेक्स्ट मेरे को चाहिए क्या, कौन सा पॉइंट एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पे पॉइंट फाइव एंगल कितना है जीरो। तो ये है मेरा जीरो डिग्री लाइन। तो इसका मतलब सपोज करो यहाँ पे कुछ पॉइंट आ रहा है एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, मैग्नीट्यूड है मेरा जीरो पॉइंट फाइव और जो फेज है वो कितना है मेरा जीरो डिग्री, क्योंकि ये जीरो डिग्री लाइन है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट एट ओमेगा इज इक्वल टू इन्फाइनाइट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है हमारा जीरो और एंगल कितना है और फेज कितना है माइनस पाई। माइनस पाई क्या है, ये जो लाइन है ये मेरा माइनस पाई है ना, दिस इज माय माइनस पाई। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है जीरो, तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा। तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू इन्फाइनाइट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड पाई कितना है माइनस पाई, माइनस पाई। ओके तो यहाँ पे स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है, सर स्टार्टिंग डायरेक्शन है हमारा क्लॉकवाइज। ओके और एंडिंग डायरेक्शन क्या है, एंडिंग डायरेक्शन भी है हमारा क्लॉकवाइज, लेकिन ये कितना एंगल कर रहा है, ये हमारा एंगल कर रहा है 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो कुछ इस तरह प्लॉट बनेगा, क्लियर हुआ बात। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पोल ऐड किया हूं, तो एक प्लॉट ऐड करने से मेरा जो एंगल होता है वो एंगल शिफ्ट हो रहा है। सबसे पहले मेरा था 1 बाई 1 एस प्लस 1, तो वहां पे एंगल कितना आ रहा था माइनस 90 डिग्री। तो ये कहां से आ रहा था, ये कुछ इस तरह आ रहा था, यहां से स्टार्ट होके कुछ इस तरह आ रहा था। ओके लेकिन जब उसके साथ और एक पोल में ऐड कर चुका हूं तो उसके बाद क्या होगा, जो एंगल है शिफ्ट हो गया कितना माइनस 180 डिग्री से। क्लियर हुआ बात। तो इसका मतलब क्या है, जब पोल ऐड करते चलेंगे तो मेरा एंगल जो है वो शिफ्ट होता जाएगा, जो फेज है वो फेज मेरा शिफ्ट होता जाएगा। तो चलिए सर और एक पोल ऐड कर लेते हैं, तो देखते हैं ये कितना शिफ्ट हो रहा है। तो और एक पोल ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे मैं यहाँ पे और एक पोल ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं और एक पोल ऐड कर दिया हूँ, दैट इज एस प्लस 3। अगर यहाँ पे और एक पोल में ऐड कर दूं तो कितना फेज मेरा शिफ्ट होगा, कितना फेज मेरा शिफ्ट होगा। ओके चलिए देखते हैं, तो फटाफट से देखिए उसका मैग्नीट्यूड और फेज निकालिए। तो यहां पे मेरा ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है मेरा तो गिवन ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज 1 बाय एस प्लस 1 एस प्लस 2 एंड एस प्लस 3। तो सबसे पहले आप क्या करोगे सर, पुट एस इज इक्वल टू जे ओमेगा,
तो एस इज इक्वल टू जे ओमेगा अगर पुट करेंगे तो जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा ये कितना बनेगा, वन बाय जे ओमेगा प्लस वन जे ओमेगा प्लस टू एंड जे ओमेगा प्लस थ्री। क्लियर हुआ बात? तो इसका मैग्नीट्यूड जल्दी से फटाफट निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आएगा, तो मैग्नीट्यूड आएगा वन बाय रूट ओवर ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इंटू रूट ओवर ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट ओवर ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस थ्री। सर यहां पे आप फेज जल्दी से निकाल लीजिए, जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा सर कितना आएगा फेज, तो फेज आएगा आपका कितना, जीरो माइनस टेन इनवर्स ओमेगा माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाय टू माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाय थ्री ओमेगा बाय थ्री। क्लियर हुआ बात? तो अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड और फेज मिल गया सर, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा इज इक्वल टू इनफिनिट पे आप यहाँ पे निकाल के दिखाइए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड फेज। चलिए उसके भी इसको भी निकाल लेते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा इज इक्वल टू इनफिनिट, मैग्नीट्यूड कितना होगा जल्दी से मेरे को बताइए मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पुट कीजिए, मैग्नीट्यूड कितना है, ओके मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है मेरा वन बाय सिक्स, ओके तो यहाँ पे वन बाय सिक्स आ जाएगा मैग्नीट्यूड। एंड यहाँ पे कितना होगा, और ओमेगा इज इक्वल टू इन्फाइनाइट में अगर पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, तो मैग्नीट्यूड बनेगा मेरे को जीरो। नेक्स्ट फेज निकालिए, तो ओमेगा इक्वल टू जीरो पे अगर यहाँ पे मैं जीरो पुट कर दूं तो एंगल कितना आएगा, फेज कितना आएगा जीरो डिग्री, और यहाँ पे आएगा थ्री पाई बाय टू माइनस थ्री पाई बाय टू माइनस थ्री पाई बाय टू जो कि है मेरा माइनस टू सेवेंटी डिग्री माइनस टू सेवेंटी डिग्री। क्लियर हुआ बात? तो अगर मैं ओमेगा इक्वल टू जीरो पे बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ फेज और ओमेगा इक्वल टू इनफिनिट में बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ फेज मेरे को मिल गया है, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग डायरेक्शन और एंडिंग डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। जल्दी से बताइए व्हाट इज द स्टार्टिंग डायरेक्शन। तो माय स्टार्टिंग डायरेक्शन इज, स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगा सर, क्लॉकवाइज होगा। क्यों क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि फाइनाइट पोल मेरा नियरर टू द इमेजिनरी एक्सिस। सर एंडिंग डायरेक्शन बताइए व्हाट इज द एंडिंग डायरेक्शन। तो एंडिंग डायरेक्शन क्या होगा, तो एंडिंग डायरेक्शन हो जाएगा मेरा पॉजिटिव और क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि फाइव जीरो का वैल्यू कितना है, फाइव जीरो माइनस फाइव इनफाइनाइट जो कि प्लस थ्री पाई बाय टू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है मेरा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ओके दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करेंगे तो इसका ड्रॉ जो पोलर प्लॉट कैसा बनेगा, दिस इज माय पोलर प्लेन, ये हो जाएगा जीरो डिग्री लाइन। तो यहां पे देखिए वन बाय सिक्स एंड जीरो, ये है जीरो डिग्री लाइन। तो लेट दिस इज माय वन बाय सिक्स, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पे मैग्नीट्यूड हो रहा है वन बाय सिक्स और फाई हो रहा है कितना जीरो डिग्री, ओके। नेक्स्ट एंडिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट है आपका एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पे जीरो एंड थ्री पाई बाय टू, तो ये है टू थ्री पाई बाय टू और माइनस टू सेवेंटी डिग्री लाइन ये है। तो लेकिन मेरा मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू जीरो एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो मैग्नीट्यूड आ रहा है मेरा कितना जीरो और फेज आ रहा है कितना माइनस थ्री पाई बाय टू और माइनस टू सेवेंटी डिग्री। क्लियर हुआ बात?
तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग डायरेक्शन, स्टार्टिंग डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, और जो एंडिंग डायरेक्शन होगा वो भी होगा क्लॉकवाइज, लेकिन कुछ इस तरह होगा, दिस इज द एंडिंग डायरेक्शन, दिस इज द एंडिंग डायरेक्शन। क्लियर हुआ बात? तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे आपको बोला था जितना पोल आप आर करते चलोगे वहां पर फेज क्या होगा, फेज आपका शिफ्ट होता चलेगा। अगर इसके बाद और एक पोल आर कर दोगे तो ये पूरा ऐसा आके पूरा फिर से बना 0 डिग्री पर आ जाएगा। क्लियर हुआ बात? तो दिस इज द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है, मैं अगर आपके ट्रांसफर फंक्शन में जितना पोल में आर करता चलूंगा मेरा जो जो फेज है वो शिफ्ट होता चलेगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द पोलर प्लॉट। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोलर प्लॉट के बारे में और बहुत सारा जानकारी लेके आएंगे। क्लियर? थैंक यू।